चिकन मेरे पास ये बॉईल हुई हुई यहाँ पे रखी हुई 2 कप, मैंने इसको श्रेड कर लिया। 2 टेबलस्पून हमने बटर ले लिया, हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये जले ना। सही जी, अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें। चिकन बॉईल की हुई मेरे पास 2 कप है, इसको मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। इसमें 2 कप के करीब ही हम शामिल करेंगे ये मेरे पास आलू हैं, और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं चिकन डालूंगी। चिकन को हल्का सा हम सौते कर लेते हैं। इसमें गरम मसाला, खटाई पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, हरा धनिया हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। बोल में निकालेंगे, इसको हल्का सा हम स्मोक देंगे, और अब हम इस चिकन पे धुआं लगा लेते हैं। थोड़ा सा मुझे एल्युमिनियम फॉइल चाहिए होगा, फोल्ड करके इसी में इस तरह से रख देते हैं। ये हो गया, और ऑयल डालते हैं थोड़ा सा, और इसको कवर कर देते हैं। कवर करके मैं इसको रख देती हूँ। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ आलू इसमें डालेंगे, और ज़बरदस्त से हमारे कटलेट्स का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। अब इसके बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट। यहाँ पर ऑयल भी हो रहा है, और साथ ही ये मैंने कटलेट्स जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। क्रम्स निकाल लेते हैं, ये बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। और वैसे ये काम मुझे सबसे ज़्यादा मैसी लग रहा होता है, लेकिन बारह इसको हम थोड़ा सा पूरा अच्छी तरह से लगा लेते हैं। ये देखें जी, बस मैं इसको डाल के इसको मैं फ्राई करके निकालूंगी। देखें कितने ज़बरदस्त से कटलेट्स जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं लगातार ना। तो बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसे लगे फ्राई करने के बाद। आप इसको किसी भी ग्रीन चटनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं।